पोको ने अपना मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन पोको एफ सीरीज जीटी को इंडिया में लॉन्च कर दिया। ऐसे में आप इस वीडियो करके देखते रहो। आज मैं आपसे इसी पोको एफ सीरीज जीटी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नया प्रभात, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल प्रभात में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोको एफ सीरीज जीटी दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है पोको के एफ सीरीज का स्मार्टफोन सबसे पहले पोको ने अपना पोको एफ वन स्मार्टफोन लॉन्च किया था एफ सीरीज में। उसके बाद सीधा उन्होंने जो है पोको एफ सीरीज जीटी स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, जो कि सीधा सीधा दोस्तों पोको एफ वन का एक बहुत बड़ा गेमिंग सक्सेसर स्मार्टफोन होने वाला है। बिकॉज दोस्तों ये एक जो है गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। दोस्तों अगर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसी के बॉक्स कॉन्टेंट से, तो सबसे पहले दोस्तों हमें हैंडसेट देखने को मिलता है, एडाप्टर देखने को मिलता है, यूएसबी टाइप सी केबल देखने को मिलता है, सिम इजेक्ट टूल देखने को मिलता है, एक टीपीयू केस देखने को मिलता है, साथ में कुछ एनिमेशन सेफ्टी गाइड जो है हमें इसी के इंदा बॉक्स में देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों अगर हम डिजाइन की बात करते हैं, बिल्ड क्वालिटी के बारे में दोस्तों, अगर हम पीछे के लुक की बात करते हैं, तो पीछे में नॉर्मली दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लुक देखने को मिलने वाला है। जहां पर पोको कहता है कि ये जो पीछे में आपको डिजाइन देखने को मिलता है दोस्तों, वो एक स्लिप स्लाइड डिजाइन देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों जो लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। लुक के देखने की लगता है कि ये जो दोस्तों एक गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। पीछे में दोस्तों हमें एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है विद रियर एडिव फ्लैश लाइट के साथ। इसके साथ ही अच्छी बात दोस्तों, पीछे में जो ट्रिपल कैमरा सेटअप में जो कैमरा का बम्प है वहां पर आप लोगों को आरजीबी लाइट भी देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल दोस्तों जो पीछे का लुक देखने को लगा वो काफी प्रीमियम देखने को लगने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम फ्रंट की बात लेते हैं, तो फ्रंट में हमें एक सेंटर पंच होल कट और सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और फ्रंट में जो आपको बेजल्स वगैरह देखने को मिलते हैं वो भी काफी अच्छा है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बेजल्स की बात करते हैं, तो वहाँ जो बेजल्स है वो आपको रेडिकल बेजल्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक प्रीमियम बेजल्स होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो बेजल्स का यूज किया गया वो एक एल्यूमिनियम बेजल्स होने वाला है। तो फुल तो आपको जो लुक देखने को मिलेगा वो काफी प्रीमियम देखने को मिलेगा, एक गेमिंग लुक जो है इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला। और अच्छी बात दोस्तों, यहाँ पर आपको 8.3 mm का थिकनेस मिलती है, तो काफी ज्यादा स्लिम स्मार्टफोन होने वाला है। इसका जो वेट है दोस्तों 205 ग्राम होने वाला, तो थोड़ा हेवी स्मार्टफोन हो जाएगा। पोर्ट्स एंड बटन्स की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों हमें राइट हैंड साइड में पावर ऑन बटन मिलता है, और राइट हैंड साइड में सभी तरफ जो है दोस्तों हम लोग को मैगलेव ट्रिगर्स देखने को मिलता है, जो कि एयर ट्रिक का एक बहुत बड़ा सक्सेसर होता है, जो कि आप BGMI अच्छी तरह से यूज कर पाओगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमें वॉल्यूम क्यू देखने को मिलता है। नीचे की तरफ में दोस्तों हमें यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, सिम ट्रे देखने को मिलता है, साथ ही डुअल स्टीरियो स्पीकर जो इसमें हमें देखने को मिलने वाला है। इसमें जो दोस्तों हमें 3.5 ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों अगर हम देखते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी एंड पोर्ट्स एंड बटन्स है वो काफी प्रीमियम आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों हम सीधे बात करते हैं इसी के डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों हमें 6.67 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन जो है 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। इसके अंदर दोस्तों हमें 480 हर्ट्ज का फास्ट टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही ये डिस्प्ले दोस्तों HDR 10 प्लस को सपोर्ट करने वाला है, सारे 10 बिट डिस्प्ले होने वाला है। और अगर आपको जानना है कि 10 बिट और 8 बिट क्या होता है, इसके ऊपर हमने जो अपना पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो इसमें आपको 10 बिट डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों अच्छी बात कि इसमें हमें जो 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। और मजे की बात दोस्तों, इस स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ हमें जो गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जिससे आपके स्मार्टफोन की भी पूरी सुरक्षा होने वाली है। ओवरऑल दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ पर जो बार डिस्प्ले और डिस्प्ले के जितने भी फीचर्स निकल कर आए हैं, उस हिसाब से देखते हैं जो डिस्प्ले होगा वो गेमिंग एक्सपीरियंस के मामले में आपका काफी अच्छा डिस्प्ले होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इसी के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसके अंदर दोस्तों हमें MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक 5G चिपसेट के साथ ही एक ऑक्टाकोर 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर आने वाला चिपसेट होगा। वहीं दोस्तों रैम एंड स्टोरेज टाइप की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएंट है, 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, 8GB 128GB स्टोरेज, साथ ही 8GB रैम 256GB स्टोरेज है हमें देखने को मिलने वाला। और यहाँ पर रैम टाइप जो दोस्तों LPDDR4 देखने को मिलता है, साथ ही स्टोरेज टाइप में UFS 3.1 इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला। दोस्तों यहाँ पर जो MediaTek का चिपसेट है वो काफी पावरफुल चिपसेट निकल कर आता है। रैम रोम में हमारे पास काफी ऑप्शन है, रैम एंड रोम टाइप का अपग्रेड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिलने वाला है। अभी तो सीधा बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो पीछे में दोस्तों हमारे पास ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जहाँ पर दोस्तों प्राइमरी कैमरा है वो आता है 64 मेगापिक्सल के साथ में, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, और फ्रंट में दोस्तों 16 मेगा पंच होल कट आउट का सेल्फी भी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और कैमरा के सभी फोटोज दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जो कैमरा है वो आपको एक ठीक ठाक कैमरा सेटअप जो देखने को मिलेगा, फ्रंट का कैमरा उतना ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ओवर दोस्तों जो स्मार्टफोन कैमरा वो काफी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं इसी का बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर दोस्तों हमें 5065 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन जो है 67 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन जो है 0 to 100% चार्ज होने में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो है आपका 40 मिनट्स का टाइम लेने वाला, तो काफी अच्छा बैटरी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर जो चिपसेट है वो काफी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट होता है, जिससे आपका बैटरी बैकअप होगा। आप अगर ज्यादा गेम वगैरह करते हैं, म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, ज्यादा स्मार्टफोन का यूज करते हो, आपका बैटरी काफी अच्छा होने वाला है। इसके साथ ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है, तो काफी अच्छा बैटरी एंड चार्जिंग आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो सीधा बात कर लेते हैं इसी के परफॉर्मेंस के बारे में।
परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये स्मार्टफोन आता है MIUI 12.5 के साथ में, जो कि बेस्ट होगा लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 पर। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो गेमिंग परफॉर्मेंस नॉट डाउट दोस्तों, एक अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है बेसिकली गेमिंग के लिए बनाया गया, तो गेमिंग कंसोल में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। और कोर प्रोसेसर, बैटरी, कैमरा, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन वगैरह, ऑल जो परफॉर्मेंस दोस्तों वो आपको काफी पावरफुल परफॉर्मेंस जो इसी पोको एफ जी टी स्मार्टफोन में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसी कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है एक 5G स्मार्टफोन है वाला, लेकिन ये जो डुअल 4G वोल्टी को भी सपोर्ट कर लेता है। यहाँ पर दोस्तों हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलने वाला है, वाईफाई 6 देखने को मिलने वाला है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, GPS का सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों हमें AI फेस अनलॉक का सपोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट जो है इसी स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी के मामले में हमें देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के प्राइस एंड कलर्स के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों हमें 2 कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर दोस्तों एक तो ब्लैक कलर ऑप्शन होने वाला है, इसके साथ ही दोस्तों एक सिल्वर कलर ऑप्शन जो है हमें इसी के साथ में देखने को मिलने वाला है। प्राइस की बात करते तो जो बेस ब्रांड है दोस्तों वो 6GB रैम एंड 128 स्टोरेज के साथ में, उसकी प्राइस देखा गया 26,999 रुपये। अगला वेरियंट निकल कर आता है 8GB रैम एंड 128 स्टोरेज के साथ में, उसका प्राइस देखा गया है 28,999 रुपये। अगला वेरियंट है 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ में, उसका प्राइस देखा गया है 30,999 रुपये। और ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों 24 जुलाई से आपको प्री ऑर्डर कर पाओगे आप जो है flipkart.com पोको इंडिया कैप्सूल वेबसाइट से, और 26 जुलाई को दोस्तों ये जो आपको सेल में देखने को मिलेगा flipkart.com और पोको इंडिया कैप्सूल वेबसाइट में। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके बारे में मेरा क्या फर्स्ट इंप्रेशन है। और दोस्तों अगर हम स्मार्टफोन के देखते हैं तो स्मार्टफोन काफी शानदार निकल कर आता है। स्मार्टफोन में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला, जहाँ पर हम डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, स्पेसिफिकेशन के तब देखते हैं, तो ओवर स्मार्टफोन है तो काफी एक सही स्मार्टफोन निकल कर आता है पोको की तरफ से। और यहाँ पर दोस्तों जो गेमिंग परफॉर्मेंस होगा वो भी नॉट डाउट आपको काफी सही देखने को मिलेगा। और ये जो स्मार्टफोन है एक तरह से कहें तो दोस्तों वन प्लस नॉट टू जो अभी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था उससे कई गुना अच्छा स्मार्टफोन आपको निकल कर आता है। जो प्राइस भी निकल रही है वो भी वन प्लस नॉट टू से काफी कम है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो पोको एफ जी टी स्मार्टफोन है एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन निकल कर आता है पोको की तरफ से। लेकिन आपको क्या लगता है इसी पोको एफ जी टी के बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना है, देखने आपको तो धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने तो वीडियो को लाइक और शेयर किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।